Movements across cell membranes, exocytosis. First, the contents. Definition of exocytosis. Role of exocytosis in cell secretions. Role of exocytosis in removal of waste. And role of exocytosis in membrane re replacement. First, the definition. So, exocytosis is the process in which the material present within cell they are packed into a vesicle. एंड देन ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ सेल स्टूडेंट्स अगर हम इसको सिंपल वे में डिफ़ाइन करें कि एग्जोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि वो मालिक्यूल जिनको सेल से बाहर भेजा जाना है उनको एक वेजिकल की फॉर्म में पैक किया जाता है और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन तक लाया जाता है ताकि वहाँ से वो बाहर जो मूव किया जा सके या उसको जो वो ट्रांसपोर्ट किया जा सके एग्जोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस के मुकाबले में अगर एग्जोसाइटोसिस को देखा जाए एंडोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन से मटेरियल को पैक करके सेल के अंदर लाया जाता है जब एग्जोसाइटोसिस में मटेरियल्स को सेल के अंदर से पैक करके बाहर जो है वो भेजा जाता है अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं जो एग्जोसाइटोसिस के थ्रू सेल से जब वो रिलीज़ किए जाते हैं उनको आप दो मेजर कैटेगरीज में जो वो डिवाइड कर सकते हैं एक मटेरियल की वो कैटेगरी है जिसको हम सेल सिक्रीशन कहते हैं सेल सेक्रेशन का मतलब है कि वो यूजफुल सबस्टांसिस जो सेल के अंदर बनती हैं और उनको फिर क्या दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेल से बाहर जो ले जाया जाता है जैसे एंजाइम्स हैं अब एंजाइम सेल के अंदर बनेगा लेकिन उसमें वर्क सेल से बाहर जाकर करना है तो इस केस में जो एंजाइम्स है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन यानी एंजाइम्स हैं वो सेल के अंदर एक वेजिकल के फॉर्म में पैक किए जाते हैं आप चूँकि जो एंजाइम्स हैं या तरह के मालिक्यूल ज़्यादातर गॉलजियप्रेटस में बनते हैं फाइनल होते हैं वो तो जो फाइनल फॉर्म गॉल्जियप्रेटस में आ जाती है मालिक्यूल्स की तो वहाँ से एक वेजिकल की फार्म में उनको पैक किया जाएगा और सेल मेम्ब्रेन तक भेज दिया जाएगा जब ये वेजिकल सेल मेम्ब्रेन तक पहुँचेगा तो ये सेल मेम्ब्रेन के साथ जैसे ही मर्ज होगा अटैच होगा तो वेजिकल सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएगा जब इसके अंदर जो मटीरियल है वो सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट आउट हो जाएगा इसी तरह से जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं न्यूरो ट्रांसमीटर आपको था कि ये ख़ास किस्म के सेक्रेशन जो न्यूरॉन रिलीज करते हैं तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स अपना न्यूरो ट्रांस जो है वो न्यूरॉन्स जो है वो अपने न्यूरो को एग्जॉन्स एंडिंग के ऊपर आकर रिलीज़ करते हैं तो न्यूरॉन की सेल बॉडी में न्यूरो बनता है वहाँ से उसको वेजिकल के फॉर्म में पैक किया जाएगा एग्जॉन तक लाया जाएगा और उसके बाद एग्जॉन तक पहुँचने के बाद उसको सेल से बाहर रिलीज किया जाएगा तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल जो है वो इसी तरह से एक और यूजफुल सब्सटेंसेस की अगर हम एग्ज़ाम्पल लें वो प्रोटीन जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बनना है आप जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो सारी, सारी के सारी साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम सेथिसाइज़ कराता है उनको चाहे वो साइटोप्लाज्म के अंदर सेंथिसाइज हो चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर सेंथिसाइज़ हो वो प्रोटीस जिन्होंने सेल से बाहर जाना होता है वो हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर सेंथिसाइज़ की जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सेंथिसाइज होने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक वेजिकल की फॉर्म में पैक करेगा गॉलजियप्रेटिस तक भेजेगा फिर गॉलजियप्रेटिस उसको फर्दर मॉडिफाई करेगा और उसको सेल से बाहर भेज देगा सेल मेम्ब्रेन तक इन इसको लेकर जाएगा तो ये जो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट है दिस इज द यूजफुल सबस्टांस की एग्जोसाइटोसिस के थ्रू होगी इस तरह से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं अगर हम इस डायग्राम में देख लें ये एक वेजिकल है जो कि सेल के अंदर हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है ये वेजिकल बेसिकली बना है अगर हम इसको फाइनल फॉर्म लेते हैं तो ये आमतौर पर जो वेजिकल्स हैं ये गोल्जियोप्रेटिस से जो है वो बड ऑफ होते हैं बड ऑफ का मतलब जैसे कट ऑफ होते हैं वेजिकल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हो सकती हैं कोई और यूजफुल सब्सटेंसेस हो सकती हैं वेजिकल गोल्जियोप्रेटर से कट ऑफ होने के बाद सेल मेम्ब्रेन तक आएगा सेल मेम्ब्रेन तक आने के बाद वेजिकल सेल मेम्ब्रेन के साथ मर्ज करेगा इसकी मर्जर से क्या होगा मर्ज का मतलब है कि उसका हिस्सा बन जाएगा तो जैसे ही वेजिकल सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बनेगा वेजिकल की जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगी उसका हिस्सा बन जाएगी जबकि जो मटेरियल पैक था वो सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट आउट हो जाएगा रिमूवल ऑफ वेस्ट सेल मेम्ब्रेन का जो जो एग्जोसाइटोस के थ्रू जो मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में दूसरा इंपॉर्टेंट काम है जो वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर भेजा जाना अब बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जैसे यूनिसेल और सेल्स की अगर एग्जाम्पल लेते हैं अमीबा अपना फूड जो है वो उसको एंडोसाइटोस के थ्रू इनटेक करता है उस फूड की डाइजेशन होती है उसमें जो यूजफुल सब्सटेंस है वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं अब जो वेस्ट मटेरियल्स रह गए हैं उसको सेल से बाहर भेजा जाना है और ये सेल्स वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर भेजने का जो प्रोसेस होगा इट विल बी द एग्जोसाइटोसिस अगर इस डायग्राम में हम देखें बड़े क्लियरली यहाँ से स्टार्ट पॉइंट से जो फूड पार्टिकल है उसको एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर लाया गया उसके बाद उसकी डाइजेशन की गई है डाइजेशन के बाद यूजफुल सबस्टांस को एब्जॉर्ब कर लिया गया है जबकि जो वेस्ट मटेरियल है उसको एग्जोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर निकाल दिया जाता है तो वेस्ट मटीरियल को सेल से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है दैट इज एक्चुअली द एक्सोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस के थ्रू यूजफुल सब्सटेंसेस को भी सेल से बाहर निकाला जाता है और वेस्ट सब्सटेंस को भी सेल से बाहर निकाला जाता है एक्सोसाइटोसिस का एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है सेल मेम्ब्रेन को अब सेल मेम्ब्रेन में जो कि सेल मेम्ब्रेन की खास यह वो सरफेस एरिया है जब सेल एंड्रोसाइटोसिस करता है तो सेल मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट जो है वो बेजिकल बनाकर सेल के अंदर आता है जब बहुत सारे वेजिकल एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर आते चले जाते हैं तो नतीजतन ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया कम होता है अब एक्सोसाइटोसिस क्या करेगी सेल के अंदर से मेम्ब्रेन को लेकर बाहर चली जाए उसके यानी कि सेल मेम्ब्रेन तक जाएगी तो एक्सोसाइटोसिस में वेजिकल्स जो होते हैं जो मेम्ब्रेन वेजिकल्स हैं वो जाकर सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बनेंगे तो जितना वेजिकल का साइज होगा उतना ही सेल मेम्ब्रेन में इजाफा होता चला जाएगा तो जितने ज़्यादा वेजिकल्स सेल मेम्ब्रेन के साथ जाकर टकराएंगे उतने ही वेजी वैजि, हर वेजिकल का जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बनती चली जाएगी तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल मेम्ब्रेनस जो है वो कट काफ होकर अंदर आती चली जाती हैं जब एग्जोसाइटोसिस के थ्रू सेल मेम्ब्रेन जो है वो जो मेम्ब्रेन पार्टिकल्स हैं या मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बनते हैं तो एग्जोस्टोसिस की वजह से सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ता है यानी उसकी कंपनसेशन हो जाती है एंडोसाइटोस जो उसको लॉस किया होता है